तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा खासा विन भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है भाई लोग आप सभी का आपके अपने ही चैनल ड्रीम टीम्स में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से आज के दिन का पहला और इस टूर्नामेंट का जो फाइनल मैच होने वाला है CRD वर्सेज BAW के बीच में। अब देखो यहाँ से अगर आप ऑन द पेपर कंपेयर करो ना अगर, तो CRD टीम की बैटिंग और बॉलिंग दोनों बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो आप लोग कह सकते हो कि लगभग 80 to 90% चांसेस CRD की टीम के इस मैच को विन करने के। तो बोनस टिप ये है कि आप अपनी टीम जो है CRD टीम को फेवर करके बनाना, ठीक है। बाकी देखो तीन चार ऐसे ट्रम्प आपको इस वीडियो में भी मैं बताने वाला हूँ जिनका सिलेक्शन बहुत कम है और काफ़ी अच्छा खासा आपके लिए परफॉर्मेंस करके बहुत दे सकते हैं। साथ में देखो भाई नॉलेज आपको मिल रहा है, प्लस इस वीडियो में आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में 500 रुपीज़ का गिव अवे है, जिसके लिए आपको वीडियो को बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है, ठीक है। दो क्वेश्चन मैंने पूछा है इसी मैच से रिलेटेड वीडियो के बीच में, उसका आपको आंसर करना है वीडियो में, ठीक है। जिसका भी राइट आंसर होगा उसके बिल्कुल जो है फ्री में 500 रुपीज़ PDM कैश मिल जाएगा। और जो गिव अवे के विनर का अनाउंसमेंट होता है ना, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाता है। तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाके भाइयों आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो भाई लोग, फाइनल टीम के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारे मैचेस की फाइनल टीम आपको जो है यहीं पर प्रोवाइड होती है। और कल रात वाला जो T10 का मुकाबला गया था, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था गुड इन्वेस्टमेंट मैच है, रिजल्ट आप लोग खुद देखो, बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझे। तो ये हमारे मेंबर्स की विनिंग आपको दिख रहा होगा, तो काफ़ी धमाकेदार जो है मेंबर्स विन करते हैं। आप लोग भी हमारी इस फैमिली का जो है हिस्सा बन के अपनी विन स्टार्ट कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूँ, फाइनल टीम के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स। अब देखो भाई लोग, बात करते हैं आज के मैच की टीम की, ठीक है। मैं आ चुका हूँ ड्रीम इलेवन पर। पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, फिर यहाँ से बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं। विकेट कीपर की देखो, यहाँ से दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, जेरबिन जैन बेंजामिन और यहाँ से वाइड रिजिस। वाइड रिजिस को आराम से ड्रॉप करो, सिर्फ विकेट कीपिंग करता है, बॉलिंग नहीं करेगा, बैटिंग नहीं करेगा, आराम से आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। जे जैन बेंजामिन आपके लिए मस्ट हैव होना चाहिए, ओपन करेगा, विकेट कीपिंग नहीं करेगा और काफ़ी अच्छे बैट्समैन भी है, मस्ट हैव होना चाहिए। अगर 20 रन की टीम बना रहे हो तो 20 की टीम में आपको, मतलब 20 की 20 टीम में आपको जो है इसी को अपनी टीम में लेना है। बात करते हैं बैटिंग सेक्शन की, एलिक अथानेस मस्ट हैव होना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है, ठीक है। हर मैच में आपको 30-40-50 रन आराम से स्कोर करके दे देता है और CVC के लिए भी आप एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट जोहानेल यूगेने आपको जो है थर्ड डाउन लगभग बैटिंग करके देगा, प्लस आपको 2 ओवर की बॉलिंग भी देगा, मस्ट हैव आपके लिए होना चाहिए, ऑलराउंडर प्लेयर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको तीसरा ऑप्शन में यहाँ से दो प्लेयर का देता हूँ, ठीक। यहाँ से जूनियर हेनरी और मेरविन मैथ्यू दो प्लेयर आपको दिखेंगे, इन दोनों में से आप किसी एक को ट्राई करना एज ए थर्ड प्लेयर इन बैटिंग सेक्शन, ठीक है। दोनों ही आपको जो है टॉप ऑर्डर में बैटिंग देंगे। जूनियर हेनरी आपको जो है फर्स्ट डाउन बैटिंग करके देगा, थोड़ा सा ज़्यादा हाई रिटर्न नहीं है, और यहाँ से मेरविन मैथ्यू आपको जो है ओपन करके देगा। अब डिफरेंस की बात करूँ, जो जूनियर हेनरी जो है ना ज़्यादा बॉल देता है, कम रन स्कोर करता है, और मेरविन मैथ्यू कम बॉल में ज़्यादा रन स्कोर करता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, जूनियर हेनरी कंसिस्टेंट थोड़ा ज़्यादा है और मेरविन मैथ्यू कम है, लेकिन भाई इस मैच में मैं एम मैथ्यू को बैक कर रहा हूँ। फाइनल मैच है और एम मैथ्यू एक बड़े लेवल का प्लेयर है, मैं उम्मीद करता हूँ अपना ये जो है मतलब असली रूप इस मैच में दिखाएगा, ठीक है। बाकी बड़े प्लेयर हमेशा बड़े मैचेस में ही परफॉर्मेंस करते हैं, आपको ये बात पता हो। डी लिवरपूल ग्रैंड लीग में ट्राई करना, जे जोसेफ को भी ग्रैंड लीग्स में, जे रफेल और यहाँ से ओजी, और चारों को ग्रैंड लीग में ट्राई करना, बैटिंग और बॉलिंग कुछ भी नहीं करते, ठीक है। तो आराम से आप लोग चाहो तो ग्रैंड लीग में भी आप लोग ड्रॉप करके चल सकते हो। ग्रैंड लीग में आप लोग डी लिवरपूल को ट्राई कर सकते हो, अगर यहाँ से BAW पहले बैटिंग करिए तो, बिकॉज थोड़ा ऊपर बैटिंग करने आता है। बात करते हैं ऑलराउंडर की, लेने को बाउचर, ओपन प्लस 2 ओवर की बॉलिंग जिसमें से 1 ओवर डेथ में आता है, मस्ट हैव प्लस CVC के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन। डैरन नेड का भी सेम है लगभग, सेकेंड डाउन बैटिंग करता है, 1 ओवर स्टार्टिंग में डालेगा पहला और 1 ओवर डालेगा 10वां ओवर, डेथ में 1 ओवर बॉलिंग करने आता है, मस्ट हैव होना चाहिए, CVC के लिए एक अच्छा ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं ऐसे लेने वाला हूँ जेसन अलेक्जेंडर को, फर्स्ट डाउन बैटिंग, 2 ओवर की बॉलिंग, ये भी आपके लिए मस्ट हैव होना चाहिए। अब देखो यहाँ से आपको फोर्थ ऑलराउंडर का मैं जो है चॉइस देता हूँ, आपके पास दो ऑप्शन है, गिलोन टाइसन और यहाँ से कर्टनी एंसलम। अब देखो कर्टनी एंसलम जो है ना लेफ्ट हैंड बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी बॉलिंग करता है, प्लस आपको ये जो है जी टाइसन से ऊपर बैटिंग करके देगा। जी टाइसन लगभग 6वें 7वें नंबर बैटिंग करने आता है, और अगर आप के एंसलम की बात करो तो 3रे 4थे पे लगभग आपको ये बैटिंग करके दे देगा। तो यहाँ से के एंसलम को मैं अपनी टीम में आज के लिए लेने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो जी टाइसन को जब जब मैंने अपनी टीम में रिस्क लेकर लिया है, हमेशा इसने जो है परफॉर्मेंस की है। लास्ट मैच में मतलब कल वाले मैच में मेरा वाइस कैप्टन था ये, किसी ने इसको वाइस कैप्टन ट्राई नहीं किया था,
एक तरफा हमने विनिंग की थी, ठीक है। अभी जो मैंने आपको रिजल्ट दिखाया ना इसी मैच का था, तो आज के मैच में मैं यहाँ से के एनसलम को अपनी टीम में लेके जाने वाला हूँ। बाकी जे मिंगो नहीं खेलेगा, एस्ट्रोसियन नहीं खेलेगा। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की, उससे पहले गिव अवे के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गिव अवे का पहला क्वेश्चन ये है कि आज के मैच में डी नेड और एल बाउचर कितने पॉइंट देंगे टोटल। आपको 20 के डिफरेंस से बताना है, लाइक आपको लगता है यहाँ से 200 से 220 पॉइंट, तो आपको इस तरीके से बताना है 200 और सॉरी ऐसे 200 टू 220 पॉइंट्स। तो इस तरीके से आपको जो है कमेंट करना है, ठीक है। गिव अवे का ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे जो है वीडियो के आगे पूछूंगा, तो आपको वीडियो को आखिर तक वॉच करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की। मिकेल जोसेफ सेकंड राउंड बैटिंग करने जाएगा, बॉलिंग भी एक बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, विकेट टेकिंग बॉलर है, मस्ट है, आपके लिए होना चाहिए। इसको भी आपको अपने टीम में लेकर चलना है। एलओवीसी एक विकेट टेकिंग बॉलर है, और मैंने आपको याद होगा वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था सीआरडी की टीम के हाई चांसेस है मैच को विन करने की, तो आपको अपनी टीम जो है ना सीआरडी के फेवर में ही बनानी है, तो इसीलिए एलओवीसी आपकी टीम में बिल्कुल मस्ट है, होना चाहिए। तो इसको भी मैं अपनी टीम में लेके चलूँगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मैच लूँगा एलविनसन जॉली को, आपको जो है एक ओवर स्टार्टिंग में डालेगा, एक ओवर डेथ में, और भाई इसकी बॉलिंग जो है ना हमेशा विकेट को टारगेट करती है, तो आपको किसी भी मैच में अच्छा खासा विकेट लेता हुआ देख सकते हैं। बाकी फाइनल मैच है, कोई भी टीम पहले बैटिंग करेगी, ट्राई करेगी बड़ा से बड़ा स्कोर करने का, उसमें उस केस में ए जॉली आपके लिए ग्रैंड लीग में बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट ऐसे देखिएगा आपको जिलानी जोसेफ, बॉलिंग नहीं कर रहा है लास्ट के 4-5 मैचेस से बॉलिंग नहीं की है, इसलिए आप लोग आराम से ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट आपको देखिएगा ई बर्टन भाई स्टार्टिंग में डालने आएगा, और इसके सामने बैटिंग करने जाएंगे एली काथानेस, लेनी को बाउचर, और तीसरे पैकर जेसन अलेक्जेंडर। ये ऐसे बैट्समैन हैं जो इसको आराम से जो है खेल लेंगे और इसकी पिटाई कर देंगे। ऑलरेडी एक बार इन्होंने ऐसा कर रखा है, आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये रहा वाला मैच, ठीक है, 2 ओवर में इसने जो है 22 रन खा लिए थे, तो सेम आपको आज भी होता हुआ देख सकता है। बहुत लोग आपको ओपोनेंट्स में इसको लाते हुए देखेंगे, बहुत हाई चांसेस हैं फ्लॉप होने के। अब देखो यहाँ से आपको एक और ट्रंप बताता हूँ, एफ बेंजामिन, ये भी आपके लिए एक ट्रंप हो सकता है अगर यहाँ से BAW की टीम पहले बॉलिंग कर गई तो, बिकॉज भाई डेथ में आपको बॉलिंग ला के देगा एक ओवर की। तो अभी के लिए मैं काम करता हूँ ए जॉली को ड्रॉप करके एफ बेंजामिन को अपनी टीम में मैं पिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने यही कर लिया। अब देखो भाई लोग टीम जो है मेरी क्रिएट हो चुकी है। बात करते हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन की, उससे पहले बात करते हैं गिव अवे के सेकंड क्वेश्चन की। तो भाई लोग गिव अवे का सेकंड क्वेश्चन ये है कि आज के मैच में एलेक अथानेस जो है कितना रन स्कोर करेगा, आपको जो है बिल्कुल एग्जैक्ट रन बताना है, ठीक है। लाइक आपको लगता है 52, तो आपको सीधा लिख देना है आपको एलेक अथानेस 52 रन्स, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है बताना है। बाकी देखो दोनों क्वेश्चन के लिखने के बाद आपको जो है हैशटैग ड्रीम टीम से ज़रूर से लिख देना है, अदरवाइज आप कमेंट तो करोगे लेकिन आपके कमेंट का कोई मान्य नहीं होगा, आप ऑलरेडी जो है डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं। बाकी देखो मैं आपको एक दो रूल बताता हूँ। पहला, आपको मल्टीपल कमेंट नहीं करना, दूसरा आपको कमेंट को एडिट नहीं करना, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैच स्टार्ट होने के बाद में कमेंट नहीं करना है। ये सब रूल्स फॉलो करो, अगर आप विनर बनते हो तो बिल्कुल से आपको प्राइज मिलेगा। और हाँ एक और बात, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस केस में भी आपको प्राइस नहीं मिलेगा। CVC के कुछ ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा मैं किसको एज ए CVC ट्राई करने वाला हूँ इस मैच में, ठीक है। अब देखो पहली बात, ए अथेनेस इस मैच में फ्लॉप हो सकता है, बिकॉज इसके सामने बॉलिंग डालने आएगा यहाँ से, और यहाँ से के एनसलम जो एक राइट आर्म ऑफ्रेक ब्लड है, और यहाँ से एलेक अथेनेस राइट आर्म ऑफ्रेक ब्लड के सामने हमेशा से ही स्ट्रगल करता है, तो चांसेस हैं फ्लॉप होने के। और अगर ये बैटिंग से फ्लॉप हो गया तो बॉलिंग नहीं करता उस केस में आपके लिए थोड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। इसलिए कैप्टनशिप में देने वाला हूँ लेनी को बाउचर, ओपन प्लस डबल की बॉलिंग, अगर बैटिंग से फ्लॉप हो गया बॉलिंग से पॉइंट देगा, अगर बॉलिंग से फ्लॉप हो गया तो बैटिंग से पॉइंट देगा। वाइस कैप्टनशिप मेरे कंडीशन भी डिपेंड करेगा, अगर CRD जो है पहले बॉलिंग कर गया तो मैं ऐसे डी नेट को जाते हैं अपना जो है वाइस कैप्टनशिप दूंगा, बिकॉज आपको डेथ में बॉलिंग ला के देगा। अगर CRD पहले बैटिंग कर गया तो मैं अपनी वाइस कैप्टनशिप यहाँ से जेसन अलेक्जेंडर को दे दूंगा, आपको जो है फर्स्ट राउंड बैटिंग प्लस दो ओवर की बॉलिंग करके देगा। तो इसी के साथ भाई टीम जो है मेरी क्रिएट हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा। बाकी देखो ये रही मेरी टीम। और हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, अभी जो है टॉस और लाइनअप नहीं आया, तो इसलिए ये जो है टीम है ना मेरी इनिशियल टीम है, फाइनल टीम नहीं है, बिकॉज आपको भी बताया बिना टॉस और लाइनअप के फाइनल टीम बनाना बिल्कुल जो है इम्पॉसिबल है, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है एक दो प्लेयर जो है टीम में ना खेले, तो जो मेरी फाइनल टीम होगी ना जिसके साथ मैं पर्सनली इन्वेस्टमेंट करता हूँ और काफ़ी अच्छी खासी हमारे मेम्बर्स भी विन करते हैं, वो फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाके भाइयों आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी के साथ भाइयों वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, वीडियो को आखिर तक वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेहनत का एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो, पहली बार हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जिससे कोई भी वीडियो इसमें फ्यूचर में अपलोड करूँ ना तो सबसे पहले आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई लोग, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।